जेहि सुमिरत सिद्धि होइ अगण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन अमु कहो ही बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सदयाल द्रव सकल कली मल दहन ओ बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जसु बचन रवि करनी कर। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो अनुभव किए कि संत और श्री राम जी में कदाचित किंचित भी अंतर नहीं होता है, अर्थात जो अनुभव किए देख ले संत का वही स्वरूप है। अगर यह स्वरूप है तो आप संत है, नहीं तो पाखंडी है, यही ना? ठीक। अब स्थिति है कि जो प्रकृति के तत्व रहे अब सब के सब हो गए प्रदूषित, क्योंकि असुरी संपदा प्रकृति में व्याप्त हो गई। जो प्रकृति को संतुलन करने वाली माँ गौ माता रही उनको भी लोग साधारण पशु समझ करके काट खा रहे हैं। और जो वंदनीय पदों पर बैठे हुए लोग हैं वे भी उनको बढ़ावा ही दे रहे हैं, क्योंकि ये राक्षसी गुरु है। जिससे धर्म का नाश हो वैसा ही उपदेश कर रहे हैं। अब उसमें कपट है, कपट पहचान में आ गया। तो देखें अब वही जो रावण रूपी 10 सर 20 पूजा 5 महल यह शरीर ही लंका रूपी असुरी राज्य बन गया है, नहीं? तो देखें पवित्र भाव से समझे। कहते हैं कि हे लक्ष्मी रमण, इस संसार सागर में डूबते हुए मुझको अपने कर कमल का सहारा दीजिए। क्योंकि आप दुखों के दूर करने वाले और बड़े बड़े संतापों के
देखिए कहाँ संताप रह गया, किसके लिए अंदर ताप नहीं। हे दूषण नाशक, आप अज्ञान रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु, अज्ञान यानी मोह, मोह रूपी जो चंद्रमा रहा उसको ग्रस लिया गया, जाने? और गर्व तथा काम रूपी मतवाले हाथियों के मर्दन के लिए सिंह है शेर। तो देखो अब कामना और घमंड बा, यही भगवान श्री राम जी के ही कृपा से होला भाई। अगर नाश होगा तो एक अर्थ बा कि प्रभु का बहुत बड़ी कृपा बा, यही ना। खाली जलावे के बाद फूक के बहावे के बाद बस इतना मर तक गईला बहन। शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति, जो चित्त में वृत्तियां बनी हैं, वही लंका का किला है। अब यहां हो गया निवृत्ति, नहीं कि कोनो वृत्ति बा, अब कोई वृत्ति तो यह प्रवृत्ति ही लंका का किला है। जिसे मन रूपी मय दानों ने बनाया है, ये जो मन है ना, यही मय दानों ने बनाया, मन रूपी मैदानों, क्योंकि मनवे में वृत्तियां हैं। अब यहां निवृत्ति हो गई, यहां पर कोई वृत्ति नहीं रही। ई करे के बा ऊ करे के बा ई सब पूछो नहीं बा, ठीक ना। जैसे लंका का किला वो मैदानों बनाया ना, तो यहाँ मन रूपी मैदानों ने यह किला बनाया है। शरीर रूपी लंका, जाने शरीर रूपी लंका बैठावल करो। अब देखो अगर तू लंका में बाया कि नहीं अपन समझो। अब यह लंका का किला हो गया शरीर, नहीं जिसमें अनेक कोष हैं, पांच कोष, कोष माने खजाना, नहीं अन्नमय, बढ़िया बढ़िया खा लूं और सब जो है भर लूं, ठीक ना। प्राणमय, प्राण को बचा करके मैं प्राण का मालिक बन जाऊं, के बा प्राण का मालिक, तोरे आज्ञा से प्राण रही और जाई, नहीं ने। मनोमय, मन में जितनी वृत्तियां है, जीभ नाक आंख कान चमड़ा की वस्तु प्राप्त करके राजा बन जाऊं, धन वंश चेला नाम पूजा प्रतिष्ठा कमा के भगवान बन जाऊं, यह एक कोष है मनोमय, ठीक ना। विज्ञानमय, जे
जैसे सब राक्षस करके गए हैं, जब नहीं पहुंच पाए भगवान के पास, तो एक ठो नया सा पंथ निकाल दिए। नहीं, उसमें छेड़खानी करने की क्या जरूरत थी। और आनंदमय कि मैं हमेशा जीता रहूं, हमेशा आनंद में पड़ा रहूं, लेकिन रहूं, ठीक ना? माने जो जीने की कामना होती है, तो यह पांच कोष है इस शरीर रूपी लंका में, यानी लंका के किला में, ठीक ना? ये पांचों कोष ही अत्यंत सुंदर महल है, क्या कि यही महल में सब कोई भरना चाहता है ना, ठीक ना? जिसके तीन सेनापति हैं, जो तीनों गुण है, यही तीनों गुण के सहायता से पांचों कोष भरा जाता है, नहीं? यानी सतो रजो और तमो, यह जो तीनों गुण है, यही सेनापति है। तब ही सतो गुण यानी सेनापति के अंडर में आप लोग काम कर रहा है। अगर यह पांठे महल भरे को तो सतों की जरूरत बा, ये ने? और जब ऐसे मतलब नहीं बा तो सतों का भी मतलब नहीं बा। बैठा वो बड़ा बारीक बा, लिखे भी बा है, बनाए भी बा है, नहीं? ठीक ना? इसमें शरीर का जो अभिमान है, देह अभिमान, यही अत्यंत भयंकर अथाह अपार और दुस्तर समुद्र है। बड़ा भयंकर अथाह अपार और दुस्तर समुद्र है। अब देखिए, पूरा 9 महीने तक जब रगड़ हुआ है, तब समझ में आया है कि आप यह शरीर नहीं बल्कि वह जीव है। यह शरीर का जो अभिमान है वह बड़ा दुस्तर नहीं है? कोई से कहे कि तू ये शरीर नहीं है, कह तुम्हारा दिमाग खराब हो, हम माई बहू पैदा करें हम नहीं आई, तुरंत ना हुई, तुरंत कोई कही शरीर का विमान निकले वाला, ये आप लोगों के निकला अभी तू शरीर, ये ना गणेश जी, साथे साथे निकालत जा, ठीक ना? क्योंकि समुद्र से पार कराने वाला बस एक सतगुरु ही होते हैं, और सतगुरु कहीं है ही नहीं, ठीक ना? तो इसका अर्थ है कि जो सतगुरु हो उसके अंदर देह अभिमान का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए, यही ना? तो इससे निवृत्त हो गए, तो यानी यह दुस्तर समुद्र आप पार कर गए, ठीक ना? क्योंकि जो भी स्वभाव होता है जीव का, वह जीव का होता है, वह शरीर का नहीं होता, ठीक ना? ये बड़ा गहरी बात है। और इस समुद्र में अगर कह रहे हैं कि हमारा शरीर का अभिमान समाप्त हो गया है, तो इस समुद्र के अंदर जितनी जो है बातें होंगी,
भाव होंगे वे सभी समाप्त हो जाने चाहिए, नहीं तो इस देह अभिमान रूपी अत्यंत भयंकर अथाह अपार दुस्तर समुद्र में चित के रखा यहाँ भाई कहा देखो चित के रखवा नहीं तो फिर बात ठीक नहीं बस ठीक फिर से ध्यान से सुनो इस देह अभिमान अत्यंत भयंकर अथाह अपार दुस्तर समुद्र में राग द्वेष और कामना आदि अनेक घड़ियाल भरे हैं, यानी राग द्वेष और कामना ये क्या है, अनेकों घड़ियाल है, घड़ियाल जाना लन है तो जिसके अंदर जिसका देह अभिमान समाप्त हो गया उसके अंदर राग द्वेष और कामना नहीं होनी। सरजू भाई से जैसे ही पूछा कि तुम्हारा खत्म हो गया यहाँ गुरु ठीक ना, तो गणेश जी तुम्हारा खत्म हो गया राग द्वेष और कामना यह क्या है, घड़ियाल क्रोकोडाइल, क्या है क्रोकोडाइल। तो समुद्र में लहरें भी उठती हैं, नहीं तो आसक्ति आसक्ति माने वह लगाओ नहीं, और संकल्पों की लहरें उठ रही है। यदि किसी के प्रति आसक्ति है और संकल्प उठ रहे हैं तो यह जो है क्या है, इस भयंकर अपार अथाह देह अभिमान रूपी समुद्र की लहरें, यह ना तो ये समय लहर भी अपने मर्यादा में नहीं उठाता ही, मर्यादा तोड़ करके लोग ये सब पूरा करे चाहता है। एकर अर्थ बा सुनामी आगा बा, एकर का अर्थ बा जो मर्यादा धर्म और बल बुद्धि सबको तहस नहस कर दे रही नहीं, देखो गणेश जी पकड़ो तो नहीं ठीक ना, तो यह शरीर समझ में आ गया कि यह शरीर में जो देह अभिमान है यही अत्यंत भयंकर अथाह अपार और दुस्तर समुद्र है जिसमें राग द्वेष और कामना रूपी बड़े बड़े घड़ियाल है, नहीं भरा बांध की नहीं। देखो आदमी के समझो, आसक्ति और संकल्पों की लहरें उठ रही हैं, जो कि वर्तमान समय में सुनामी का रूप धारण कर चुकी है। सतो गुण रूपी बिल्कुल जो है मंदिर को तहस नहस कर डाली है, कहीं सतो गुण रहा नहीं, नहीं सत्य कहीं रहा नहीं,
मर्यादा कोई बचा पाने में सक्षम नहीं है। तो इस देह अभिमान रूपी समुद्र में, अब देखिए शरीर ही के अंदर की सारी व्यवस्था है, जिसको हर व्यक्ति को चाहिए कि बड़े ही ध्यान से समझे, क्योंकि शरीर का कोई तात्पर्य नहीं है, शरीर मात्र एक साधन है जो कि जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करा सकती है। और इसी परम लक्ष्य के लिए श्री राम जी के कृपा से किसी जीव को यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। वह मनुष्य शरीर चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे नपुंसक हो, ठीक ना, क्योंकि यह कार्य भगवान में विलीन हो जाना यह मनुष्य शरीर के द्वारा ही होता। अपवाद भी है, वो अलग बात है, ठीक ना। तो इस शरीर रूपी लंका में मोह रूपी रावण है, नहीं तार मोह खत्म समझा, कहे कि श्री राम जी के भक्तिया खाली मोह रूपी रावण के वध पक्का वाला। और इसमें जो शरीर का अहंकार है, घर का अहंकार है, पद का अहंकार है, तो अहंकार रूपी भाई इस मोह रूपी रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण है। अहंकार कौन है? मोह रूपी रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, ठीक ना। कम से कम जो रावण का कुंभकर्ण था वह तो 6 महीने सोता था, नहीं, और यह कुंभकर्ण सोता ही नहीं, नहीं, अहंकार कहां कोई के कुछ क्षण बदे खत्म होता है? तो यह तो कुंभकर्ण उस कुंभकर्ण से भी भयंकर है, नहीं गणेश जी, अहंकार कोई के कुछ क्षण बदे समाप्त होता, ठीक ना। देखो अब कैसे शुरू हुआ, वो देखो जो बना बात दूध का दूध पानी के पानी, अब समझो अहम भाव से शुरू हुआ, ठीक ना। तो शांति सुमति और पवित्रता रूपी सीता को नष्ट करने वाला काम रूपी मेघनाद है, नहीं, कामना से ही जो काम में सबकर मन लगावा, नहीं, यही शांति सुमति और पवित्रता रूपी सीता का नाश, माया रूपी सीता, ठीक ना, यही मेघनाद है। यानी कुछ राक्षस बांध कर लेन कि हम 21-21 घंटा काम करी ला महाराज
एक जीव तो ऐसा बा कि सुतबा नहीं कर। धरती पर एक जीव ऐसा बा जौन की कभी सूतत नहीं। बतावे सब जने देखे बा न बता पे सीधे जान ले। चींटी चींटी कभी सोती वो हमेशा जो है खाली अपन खाए पिए के जनो वस्तु जुटावे में ठीक न। चींटी कभी सोती ठीक न। ध्यान दे ये सब शोध के तत्व में जाता खाली सीधे पकड़ ले जने। तो जे अपन शांति भंग करा था काम के चक्कर में वो मूर्ख बा नहीं। मूर्ख नहीं बा शांति के कत्ल करके जो ना लोभी पाखंडी के सेवा करना ये बुद्धिमानी बा अपराधी बा है। अगर शांति के कत्ल करके नहीं तो आपके आने के पहले समझिए यह शरीर लंका ठीक न। इसमें मोह है रावण अहंकार है कुंभकर्ण जो शरीरिया का अहंकार बा सबके। अब आप लोगों के खत्म भाव न अभी सेवक शरीर हो गल कि नहीं भल बा भाई। और काम जो है यही शांति नष्ट करने वाला मेघनाद है ठीक न। देखा कामे के वजह से न सबकर शांति भंग बा काम चापे बा नहीं। और लोभ रूपी अतिकाय राक्षस भी है समझ ले। कितनो धन मिल जाता कोई के लोग रुके वाला बा नहीं है अति काय माने ओका शरीर बढ़ते जाता हो तनको रुके वाला नहीं। समझे एक को एमए के कर रही तो लंके में बाए यही से गणेश जी एक को कर न हो तो लोभ हो गया अति काय। देखा लोभ से कोई बा कि अरे वाह वाह हम तृप्त हो गए हमारा लोभ पूरा होगा अब हमें ज्यादा न चाहिए ऐसा कोई बा। देखा मतलब अति काय रूपी राक्षस होके घेरे का बा वो राज करो ताकि है ठीक न। जलन जोन जेलसी रखा ले लोग उके मत्सर कहले हिंदी में तो मत्सर रूपी दुष्ट महोदर है। महोदर वो रावणी कुल का राक्षस रहा जने। और देवांतक का नाम सुने हैं वो देवताओं का भक्षण करने वाला है क्रोध रूपी महापापी देवांतक है। अगर क्रोध के बस में हो जा रहे हैं कभी कभी तो इसका अर्थ है कि देवांतक आपके बुद्धि को के ऊपर कब्जा जमाए हुआ है। देवताओं का भक्षण करने वाला ऐसा मार दिया गया है अब जने। द्वेष ईर्ष्या जो नहीं हो द्वेष रूपी दुर्मुख दम ये जितना दम्भाचरण चल रहा है धरती पर यही है खर नहीं। श्री शिव जी की बाड़ी और श्री परम पिता परमात्मा कृष्ण जी की बाड़ी काट करके जितने ये सब मार्ग चलाए हैं ये सब क्या है दम। ये सब खर रूपी राक्षस के वंशज है
ठीक ना, कपट रूपी अकंपन, कपट रूपी अकंपन। देखो कपट से को जने मुक्त हो चाहतो नहीं बन काहे कि अपन नहीं। अब राम खिलौन भाई कपट से मुक्त हो गए। सरजू भाई ठीक ना, कपट माने सोच कर्म और बाड़ी तीनों एक होवे के चाहिए। अगर तीनों एक नहीं बा तो कपटी बाए। देखा खिलावन भैया बात एकदम पक्का बा या ना। कुछ कहे के जरूरत नहीं बा, ये बात बा बिल्कुल सफा सफा और आपा लोग बदे नहीं बा। गणेश जी तू व्हाट्सएप से भेजा आया सब तो भाई सबके पूरे संसार बदे बा। कोई के नीक लगे चाहे नेवर, चाहे ओकरे भौजी के मोरे देवर जने, लेकिन बात बात सफा कि अगर सोच देखे में सब मर गए ना भौजी के देवर माने पूरे भौजी के देवर के तो ही ने ठीक ना। तो जिसका सोच कर्म और वाणी एक नहीं है वह अकंपन रूपी राक्षस का गुलाम है, उसे कपटी जीव कहते हैं। दर्प रूपी मनुजात और मद रूपी सूल पाणी राक्षस है। मद जने लोग अपने मानसिक अवस्था पर अच्छे से विचार कर ले, क्योंकि यह जो है राक्षस आकर के बुद्धि को सबके घेरे हैं, सबके बुद्धि को आकर घेर रख के और वे सब राज कर रहे हैं। कहां कोई मन का मालिक है नहीं, समझ में आयल। एमए से अब जे भगवान का सेवक हो जाए एमए से कहां के राज कर पाई नहीं। तो यह दुष्ट राज परिवार और उसके सेनापति रूपी राक्षसों का समूह अत्यंत पराक्रमी नहीं, ताकतवर रहन कि नहीं, अपने से नहीं मार सकते रोले ने, और जीतने में बड़ा कठिन है नहीं। लेकिन अब तो उसमें जीत गई ले। हाँ तो अब जो ना बस फूक फूक के बहा दे भाई, देखा एकरे नीचे तो बात ना हुई नहीं। अगर कहो भाई हाँ भक्तन बदे ही सब बात शरीर अब नहीं कहो तेन फूके इन्हें फूको आवला जटायु जी के फूके नहीं, संस्कार करे रहे ना हाँ मार दे। अब बुद्धिमानी इतना बने तो जब फूका लगी है तब जरूर चिल्लाए लगवे, अपने से फूक दे इतना मर्यादा में रहा जाने कि अपने से अब जब मार देने तो अहम के खाली खत्म कर देवे के बाद ये ने अपने से के मार पाई भा। देखो सब सब इन्हने के गुलाम बन ने ने, क्योंकि मनुष्य का अर्थ ही होता है कि मन जिसके जिसका मन बस में हो
उसे मनुष्य कहते हैं। जो मन का दास है वह मात्र मनु दास है, इसीलिए सबका मन उदास रहता। जाने और इन मोह आदि छह राक्षसों के साथ इंद्रिय रूपी राक्षसिया भी है। नहीं, इन्होंने के भोग का वस्तु चालन है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों का सेवक जीव विभीषण भी इसी लंका रूपी राज में रहता। नहीं देखो, वो हमेशा जो है कि जो जीवा जीवात्मा हमेशा संकेत तो सबके देता। इन दुष्टों से भरे हुए वन में सर्वथा चिंताग्रस्त हुआ निवास कर रहा हूं या कर रहा है विभीषण रूपी जीव। ठीक ना, यम और नियम वही दसो अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य और सत शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान और संतोष यही सब। तो यम नियम रूपी दसो दिक्पाल और इंद्र इस मोह रूपी रावण के अधीन होकर अत्यंत भयभीत रहते। नहीं सब भयभीत बन संयम नियम पर कहां के बा। इसलिए जैसे आपने महाराज दशरथ और कौशल्या जी के यहाँ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिए थे, वैसे ही है जानकी बल्लभ ज्ञान रूपी दशरथ जी के घर। अब यही देखिए, दशरथ जी आप लोगों को दे दिया गया, ज्ञान रूपी दशरथ जी के घर शुभ भक्ति रूपी कौशल्या जी के द्वारा इन मोह आदि राक्षसों का नाश करने के लिए प्रकट होइए और जैसे भक्तों का कष्ट देखकर पिता की आज्ञा से आप उस समय वन में पधारे थे, वैसे ही मेरे हृदय रूपी वन में पधारिए। मोक्ष के जो सब साधन है उन अनेक रिक्ष बंदरों के द्वारा ज्ञान रूपी सुग्रीव से संसार सागर पर पुल बधा दीजिए। देखो इतना पुल बांध करके आप लोगन किया आल बाय पुल बना सब। फिर प्रबल वैराग्य रूपी महाबलवान पवन कुमार श्री हनुमान जी विषय रूपी वन और महलों को अग्नि के समान भस्म कर देंगे। इसलिए वैराग्य बहुत आवश्यक है नाथ, बिना वैराग्य के कोई काम होने वाला नहीं है, समझ ले। अब का राग रख दे, यह जलाई बाब है। देखो तदंतर
हे ज्ञान घन, हे सारे विश्व का दुख हरने वाले श्री राम जी, जीव रूपी दास के लिए मोह रूपी दुष्ट दानव का वंश सहित नाश कीजिए। यही ना, यानी कर दीजिए। और तुलसीदास के हृदय कमल में सदा सर्वदा छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित निवास। ठीक ना, तब लंका के अयोध्या बनेबे तब ने तो मैं दशरथ ज्ञान रूपी दशरथ जी मतलब दसों इंद्री के जीत ले, वही होगल दशरथ। ठीक ना, और भक्ति रूपी माता कौशल्या तब श्री राम जी अवतार लेकर के सारा वन ध्वस्त करके लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपके हृदय कमल में हमेशा विराजमान रहेंगे, फिर कोई समस्या नहीं। जितनी बातें कही जाती है हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, कौन सा बात कि गुरु कहलें कि जो काम आप नहीं कर चुके हैं नहीं करते हैं उसके उपदेश का आप अधिकारी। एकर मतलब कि गुरु कुल काम करके राम लक्ष्मण सीता जी के बैठा के तब यू बाड़ी जनन है। यह मत समझिए कि यह मात्र जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखित बाणी को बक रहे हैं, ये होता है, ये निश्चित है। देखो नहीं तो मोह रूपी रावण दिखाओ। नहीं नहीं, यहाँ कहीं दिखा था ये न। इसलिए बिना आचरण के उपदेश देने का अधिकार किसी को नहीं है ना गणेश जी। तो आज अनुभव करेंगे तो हर कलयुग की तरह यह भी इसी कलयुग में पाप परायण सब नर नारी। कौन इन पापियों से मुक्त है देख लीजिए। ये न तो भगवान के शरण में जो आएगा उसके लिए शरीर का अहंकार छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं देखो सब सफा सफा तो बाप है। ठीक ना, बैठा ल यह कुल करो, यह कर से बात आगे बढ़ी ने। सुन के तो सबके अच्छा लगा था ये ने। हाँ, कौनो प्रवचन नहीं हो भाई। सफा सफा यदि जो है मनुष्य के शरीर से असली लक्ष्य पावे चाहते है तो ऐसे ही करे के पड़ी, नहीं तो राक्षस लोग अपन जो है कि कुल काम करते करते शरीरिया खत्मों कर दी है और असली काम है तो फिर ये धरती पर बोझ है बाहर है। अब देखे कर्तव्य कर्म वाले भाई साहब एन कहे कर्तव्य कर्म छोड़ देन, इनका कुल प्रारब्ध पूरा होगा नहीं। कहे कि जहाँ पवित्र अवस्था बा अगर ओके कोई नहीं समझे कोनो भी प्रकार से अगर भगा दे जाने? या कोई अपन अर्चन कर दे कि भाई तू ऐसे करो नहीं तो यहाँ से जा सफल है, या कोई गरिया के भगा दे
तब फिर वहां जाना माने कुत्ता के बराबर नहीं। तो चूंकि शरीर सभी के अवसर दे दे, वो अंतिम में बाद में शंकर जी के कुल श्वास दे दें तो बात अब खत्म हो गल है। अभी शरीर शंकर जी का हो गल है, अब जैसे श्वास दे दिले ओकर नहीं हो गल। कहो गणेश जी मेहरारू से एक रात में ब्याह कर ले लें तो पूरे जीवन भर बदे हो सको ले नहीं। हाँ तो शंकर जी के कुल श्वास दे दें तो शंकर जी का नहीं हो गल शरीर। अब कोई के पास ताकत हो तो दे के दिखाओ है। ये ने सेवा दे तब वो सेवा होता, लेकिन सभी समझ के कि सब शंकर जी के ही संतान और कोई से कोनो आशा ना। देखा भाई साधु के काल चरित्र समझ ले, राम जी भाई के तो बड़ा बढ़िया लगा और समझ में आवा था कि साधु को सही होना चाहिए। ठीक, अब देखो जवन अहंकार के फूके के बा मार्त दे बान नहीं। देखा इनमें का बीज हो उके अच्छे से समझो। कहते हे श्री राम जी, आप दीनों का उद्धार करने वाले रघुकुल में श्रेष्ठ करुणा के स्थान, संताप का नाश करने वाले और पापों के समूह के हरने वाले। देखा है अब जोन पाप वाला बुद्धि राप किया बा ने? तो पाप नहीं, पाप का कुल समूह हर लेहन ये ने। आप निर्विकार विज्ञान स्वरूप कृपा मूर्ति राजाओं में शिरोमणि देवताओं को सुख देने वाले तथा खर नामक दैत्य के शत्रु है। अभी आप सुने कि खर क्या है, दंभ है, तो दंभ का शत्रु है बनवे ने कि दंभ का सहयोग करवे। अब देखो ये जोन आसक्ति ममता और वासना से संसार बा, ये तीन थे जड़ बा ने तोहार कटा। सफा सफा बोला, एक बार जब बोल दे तो फिर नहीं। ई जवाब नहीं, हा गुरु कटा। अभी कोनो खींच नहीं सकते, कोनो मन से जुड़ नहीं सकते, ई जवाब होला। हाँ काहे कि वो लुपड़ी चुपड़ी वाला जवाब से काम ठीक ना खिलौन भाई। हाँ गणेश जी देखा भाई बात तो ऐसा ही बा, काहे कि यहाँ पाताल लोक से लेके स्वर्ग लोक तक कौनो व्यवहार का अब जगह नहीं बा। कई बार कह चुका बहन कि भाई देखा अगर समझ में आओ तो ले नहीं दोबारा दर्शन। आखिर कई बार ने ऐसे कि न सांसारिक व्यवहार से कुछ लेना देना नहीं बा, समझ जा ठीक ना गणेश जी। तो यह संसार है जंगल, क्या है जंगल में कभी गाब है गीले हो गए ने, तो गाब है जंगल में। देखा अनुभव करो, तो यह संसार रूपी वन बड़ा ही भयानक और गहरा है नहीं। यह
संसार रूपी वन बड़ा ही भयानक और गहरा है। और सबके अच्छा लगता दे नहीं देखे गहरा सब डायल ने एक बात एक चित्त में याद आयल। अक्सर जो है गाना में कलेन कि तेरा मेरा प्यार बड़ा गहरा है, सुने है कभी? गहरा गहरा का अर्थ बात देखा आगे समझो इनमें ये कहे समझावे बदे इन्हें कोनो गाना से मतलब नहीं बा। कहे कि शंका से संसार बा, अगर शंका शंका ही है ना बाकी कुछ सच्चों का दिखाता नहीं। तो भैया इस जंगल में आप लोग अनुभव कर जाए एक बारी कर्म रूपी वृक्ष बड़ी ही सघनता के साथ लगे हैं। नहीं भाई कब छोड़ दे लेकिन वो पकड़े भाई ई छोड़ दे ई पकड़े भाई छोड़ दे ई पकड़े बा। तो कर्म रूपी वृक्ष बड़ी ही सघनता से लगे है। जंगल बा तो में पेड़ तो होबे करी है, तो इसमें कर्म रूपी वृक्ष है जो कि बड़े सघन है। नहीं कोनो काम निपटा के आगे बढ़ पावता है। जहां कर्म करे बा वो जीवन भर बदे पकड़े बा। नहीं कहां से एक के बिया कर ले कि अगर वो काम निपटा करके वंश वगैरह दे करके भगवान का भक्ति भी करना चाहता है तब वो आज संसार में छोड़े वाली नहीं बा। कि अगर तुके यह करे के रहा तो कहे बिया कर ले, माने एक कर्म करे है तो वो कर्म जीवन भर जो ना खींचता ना, माने एक के नहीं कोनो भी शादिये नहीं और भी जोन कर्म। इसमें एक तो घना वृक्ष हो गया कर्म रूपी, इसमें वासना रूपी लताएं लिपट रही है। नहीं वासना भी बा, वासना का मतलब कि जान ले एकदम सफा सफा श्री राम जी के निष्काम भजन के अलावा कोई भी कर्म हो जिसे आप जरूरी समझते हो उसे वासना कहते हैं। श्री राम जी के निष्काम भजन के अलावा मनुष्य शरीर से कोई भी कर्म आवश्यक हो ही नहीं सकता। देखा वासना का अंश बा। जैसे सरजू भाई से न पूछो ठीक ना गणेश जी, श्री राम जी के निष्काम भजन के अलावा यदि किसी भी कर्म को आवश्यक यदि समझते हैं तो आपकी बुद्धि में वासना रूपी लता लपेटी हुई कहे तब महाराज आवश्यक कहे न समझी तो नहीं बताओ प्रश्न ही ने बिटिया बा बिया करे के बाद कैसे आवश्यक न समझी। संसार जगत में प्रश्न आ जाई ठीक ना। तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों का निचोड़ है कि कहू न को सुख दुख कर दाता अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निष्काम सेवा के द्वारा आप बेटी का शादी के
उसमें कहीं आपत्ति, लेकिन आप उसके लिए जो है आवश्यक समझ करके कपट कर रहे हैं, यहां वहां से सोर्स लगा रहे हैं कि तिलक तनी कम देवे के हो, लड़की हमेशा सुखी रहे, ये बहुत जरूरी बा। सही कहा वासना, ठीक ना। सेवा करिए जो भी, क्योंकि कोई भी कर्म कर लीजिए धरती पर, जब तक श्री वासुदेव जी के चरणों में सभी कर्म समर्पित करेंगे नहीं, तब तक श्री राम जी की भक्ति मिलने वाली है ही नहीं। कहीं कर्मवर डंक मारा ला जाना ला ना बिच्छू की तरह कोनो बता रहे हैं। तो जब तक सभी कर्म, और ये देखा योग अग्नि प्रकट करके ना कुल कर्मवा झोंक देबा जोर का, जने जो नहीं कोनो कर पाए, कहे कि वो कर्मवा फूके से तब ममता रूपी मल जाला। शंकर जी के बाड़ी बा का कि योग अग्नि तव प्रगट करी, अकर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाय। तो ऐसा कोई भी जीव हो जो कह दे कि ममता मोह नहीं जाता है, वह निरर्थक प्राणी है, वह कोई पवित्र सिद्ध पुरुष नहीं, क्योंकि सभी कर्मों को फूकने के लिए कहा हे लकड़ी की आगी में न फूकायू, ट्रेन से कट जीवे न फूकाई, जाने इलेक्ट्रिक का शाक लेके मोर जीवे तो न फूकाई, एकरे बदे योग अग्नि प्रकट करे के पड़ी। और जितना शुभ अशुभ कर्म करे कुल झोंक दे, यह कुल भैल बा तब ने जाके ईसन भैल, ठीक ना। तो अनेक जो कर्म है संसारिक उसमें यज्ञ वगैरह सब कुछ जो चक्कर में पड़ा हुआ है, कुल पंडियों जी लोग फंसाए बा ने कितना यज्ञ न कर बे तो मुक्ति न मिली, पांठे करे की पड़ी, उन अपने चक्कर में पड़े बन की पांठे कर बे तो पांच जगह के पानदाई के जो ना दक्षिणा मिली ने नहीं, जबकि देखो यहाँ से तो कुल यज्ञ हो ही कल ने। तो सुनो बात के नहीं के संसार रूपी जंगल के समझो, तो इसमें कर्म रूपी वृक्ष बड़ी ही सघनता से लगे हैं, तो ऐसे कैसे छूट बे भाई। जो पवित्र धर्म पे चल रहा हो उसके लिए निष्काम सेवा, जो धर्म पे चले ना उसको मन से फूंक दीजिए तो आपके कर्म कम हो गए। और जब कहे नहीं हम जीवन भर निभाई, जब तक शरीर रही वादा करे है तो नहीं गणेश जी, ठीक ना। देखो और वासना समझ में आ गया कि जब सब जने अपने अपने कर्म का फल भोगबे करी है और धर्म के रास्ते पर चलतो नहीं बहन, तो ओके जरूरी समझता ही तो हमार बेवकूफी बा, एक मतलब हमार बुद्धि सयानी। और यही वासना बदे जौन व्याकुलता हो जाला जने, तो जंगल में कांटो रहला, जंगल में सोचला झटके फटके में नहीं निकल जाए कच से कहा। तो इसमें व्याकुलता रूपी अनेक पैने यानी कांटे बीच पीछे हुए, इसलिए व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। तो कहे महाराज अगर कोई मर जाए और हमें पता लगल कि उन मर गए तो हम व्याकुल ना हुई, तो का कोई कि चलो ठीक बा मर गए तो का करी, एकदम बताओ तो उसर बना के पड़ा ला जाने, ठीक ना।
तो कर्म रूपी वृक्ष वासना रूपी लता लपेटी है और व्याकुलता रूपी अनेक कांटे बिछे हुए है। ये संसार में जे बाइसन के बाद जे व्याकुल नहीं हो जा है। इस प्रकार ना एक तो देखा है बड़े बड़े पेड़ ऊपर से जो हो कि लता और नीचे कांटा, वही पे जीव चल रहा बेचारा। वाह तो नहीं पकड़ा, बड़ा बढ़िया ही संसार का रूप रेखा दिखाए बा जाने, और हमें कोनो काटा वाली बात नहीं बा। इस प्रकार यह सघन वृक्ष समूहों का महाघोर वन यानी जंगल है। नहीं अभी पक्का होगा, इस वन में जो चित्त में अनेक वृत्तियां है जाने, कई थे वृत्ति बन है कि निवृत्त हो गई एकदम अब ही कुछ बाए, लेकिन यह कि बहुत गायब हो गए, बहुत वृत्ति गायब हो गए जाने। दरअसल जब ज्ञान मार्ग से ही चाहत रहा तो नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा जाने, सात्विक श्रद्धा रूपी गाय ओके जितना धर्म शुभ शुभ धर्म रहा हुआ घास खिले भाव रूपी बछड़ा तैयार भा उसे गाय पिन्हा गई, तो नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा तो निवृत्ति रूपी नोई लगा के ओकर टगरी है। तो एक बार जब निवृत्त हो गई ना तो फिर कोनो वृत्ति लियावे का अधिकार ठीक न, और निर्मल मन रूपी अही रोके दुहला ठीक न। तो परम धर्म मैं पय दुहि भाई, तो परम धर्म वही दया, दया रूपी दूध निकलला, काम हो करके ओके गरम करके क्षमा संतोष रूपी वायु से ठंडा करके फिर बिल्कुल सौम्यता रूपी जामन से जमा के प्रसन्न मन से मत के निर्मल बैराग रूपी मक्खन निकला। भाई बैराग बहुत नहीं, क्षणिक बैराग सब ही को हो जाला नहीं, छड़ी नहीं अब चाहे दे अब सभी सब बेकार आव लग नहीं। तो ये परमानेंट जब तक न हुई तब तक योग पवित्र हो नहीं समझो। तो ये कुल क्रिया हो गल भजन है, अब ये आत्मा और शरीर के कोनो बंधन, अब बाहर के लोग भाई ये सब बात के समझ न पाई है। अगर आत्मा और शरीर के बंधन रहा तो कुल पानी निकला है, कुल राक्षस लोग गुंडा पाले बा नहीं, लेकिन अब शरीर के कोनो मतलब नहीं बा ठीक न। माने कामनाएं में कहीं बटला नहीं बा, तो मन जब निवृत्त बात आप लोगन के भी खुला खुला भाव का अनुभव होता और मिलता ठीक। तो इस जंगल में चित्त की जो अनेक प्रकार की वृत्तियां है जने, बायन ने जो अनेक प्रकार की वृत्तियां है, जीभ नाक आंख कान चमड़ा धन वंश चेला नाम पूजा प्रतिष्ठा बदे करोड़ों वृत्ति बनावा सबकर, ये सब मांसाहारी ये सब मांस खाने वाले बाज, बाज चैनल है मांसाहारी की शाकाहारी, उल्लू कौआ बकुला और गिद्ध आदि पक्षियों के समूह
समझो ये ने तो जेकरे कि यहाँ तगड़ा वृत्ति रही तो वो मांस तो खाइबे करी क्या कुकर मांस खाए वाले पक्षी बाहर अगर मांस खाई ना सही यह है जेकर जितना वृत्ति बनी वो उतना जो है नास्तिकता की ओर जाई और जेकर कोनो वृत्ति नहीं बा वहां तो दूठे रोटियों खाता है वो कोनो जरूरत नहीं देखो आप समझ में आएगा कि ये वृत्तियां इसीलिए निष्काम भाव एकदम पक्की दवा बा भाई जाने अब जंगल में देखा कुछ जंगली पक्षी भी देखा गए तो फिर कोनो वृत्ति रखब जरूरी बा ये सभी बड़े दुष्ट और छल करने में निपुण है काहे न सोचबे तू न सोचबे तो के सोची आखिर के तोरे अलावा हमार के बा ये सब छल है जने छल करने में बड़े निपुण नहीं कोई छिद्र देखते ही यह जीव रूपी यात्रियों के मन को हमेशा दुख दिया करते हैं। छिद्र माने वही भेद। अब जब बुद्धि स्थिर हो जाए कि सब भगवान के बा यहाँ से अलग से कोई बा नहीं जो संबंध हो माया कहो इस सच्चो का संबंध नहीं हो ये पर पक्का रही तब भेद न दिखाई तब वे अपने शांति की रक्षा कर सकल है नहीं जहाँ भेद दिखायल वहाँ जो है ये मांस खाए शुरू कर दी है नहीं तो वह आदमी गलत काम करके बाद में पछताए लगला कि यार ठीक नहीं भल अच्छा अगली बार से जो ध्यान रखो ठीक ने तो जंगल में हाथियों होला तो इस संसार रूपी वन में क्रोध रूपी मतवाला हाथी क्रोध रूपी मतवाला हाथी काम रूपी नहीं मद रूपी भेड़िया मद रूपी भेड़िया और गर्व रूपी वृक्ष भी है नहीं ये सभी बड़े निर्दयी है ये सब बड़े निर्दयी है इनके अंदर दया देखे मद कोई अपने से छोड़ दे बुद्धि के गर्व क्रोध काम ये सब बड़े निर्दयी हैं जीव को ऐसे ही जो है परेशान करते हैं छोड़ते नहीं खाली बताओ तो श्री राम जी का कृपा से ही सब ना सोई है बाकी कोनो जगह नहीं इनके अलावा मत्सर यानी जलन मत्सर रूपी क्रूर भैंसा भी है भैंसा मतलब एकदम बिल्कुल गुस्सैल जानल है गुस्सैल भैंसा देखे है लोभ रूपी सुकर सुकर जानल है कोनो जंगली जीव है सुअर हाँ तो लोभ है जाने हाँ वही के होबे करी क्या ये लोभ के चक्कर में टट्टी तक खा पाए सुकर छल रूपी गीदड़ छल रूपी गीदड़ जनल है सियार और दंभ रूपी बिलाव भी है
फुल बिलार है, बिलरियों का किया चमकलन है, तो मोह का नियरिया बा यही में बिलरिया का किया चमका था, तो सबके लगता ज्ञानी है। यहाँ कपट रूपी विकट बंदर, कपट रूपी विकट बंदर पाखंड रूपी बाघ है, यानी जो संत रूपी मृगों को सदा दुख दिया करते हैं और उपद्रव मचाया करते। यही से बताती ये समय संतन के भाग कही, ये बिल्कुल पवित्र संत बा, यही से सब उब के बेचारे जाके कंदरा में छुप के पड़ा बा, कोई का हिम्मत नहीं बा ये संसार में आवे की। तो जब मुक्तियों का त्याग फल तब जा करके ही अवस्था नहीं, तो ये बाणी के बोली नहीं, देख ले कितना विकराल जंगल बा, कभी समझे न ले इतना विकराल। अरे भाई क्या बताई, उन्होंने पूछा बिलार बहन नहीं, देखा जोन बाणी बदे कहला कि अपने बाणी से कभी कटे मत, एकर प्रभाव देखो, बाणी से न कटबे तब त्याग तपस्या हुई न, जब कटे का आदत बात का करबे। तो ए हे विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वंभर, हृदय में यह शोक देखकर मैं आपकी शरण आया हूँ। अब एक अच्छे से फर्चा फर्चा समझ में, तब जोन कहले कि भाई शरणागत भाव भी पक्का नहीं बा, जब ये समझ जाइबे तो शरणागत भाव पक्का कर लेबे, नहीं काहे कि जेकरे बॉस में बाओ के मरबे का, ऐसे ही विचार करे ओके मरबे नहीं ने। देख ले काहे कि मारा के ताकत तो कोई के नहीं बा, और इन्होंने कुल मारा था सबके हमेशा। तो जब देखा जब इतना समझ के जब शरण में पहुंचबे भगवान के, देखा शरणागत भाव स्थिर हो जाए प्रसंग समझे के बाद, तो हे नाथ आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस संसार वन में इन जीव जंतुओं से बच जाने पर भी आगे बड़ी विपत्ति है, अगर इनसे बच भी गए ठीक ने, क्यों, क्योंकि आगे अहंकार रूपी बड़ा विशाल पर्वत है। ये जो हम जो मरा बा एक देखो, यही के कारण बेचारे सब नहीं आ पावत है जीव, अहंकार बन है नहीं, जो सहज में लाघा नहीं जा सकता। देखो लौकिक दृष्टि से कितना दूरी बा, लेकिन एक लाघा के ताकत नहीं बा, और इतना नहीं इनमें एक बड़ा भयंकर गुफा भी बा, इस पर्वत में, इस पर्वत में महामोह रूपी बड़ा भयंकर गुफा है, जाने वही में कुल कले रे हमरो अंदर रामे हैं कि के दूसरवा उन बहुत अलग हैं का हम का जाई उनकी की हां जाने। तो देखे यही गुफा के अंधेरिया में सब बौड़ियात, हमरो अंदर रामे हैं तोरो अंदर रामे हैं नौटंकी, हमरो खून लाला है तोरो खून लाला, ये सब ड्रामा जाने। देखा केकरे किया बा फैन ने गुफा में, जिसके अंदर महामोह रूपी गुफा,
माने भगवान कहाँ अलग से है? नहीं दिक्कत भाई, कुल अहंकारी बिठा बन, तू महामोह रूपी मदिरा नहीं पिए बन। जिसके अंदर बहुत ही घना अंधकार, यहाँ चित्त रूपी बेताल, मन रूपी मनुष्य भक्षक राक्षस, रोग रूपी भूत प्रेत गण, भोग विलास रूपी बिच्छुओं का जहर फैला हुआ, यह कुल बन है। यही से कहा मनुष्य रह गए, कुलदानों का कब जाबा, देखा बाकी नहीं भाई। यहाँ विषय सुख की लालसा रूपी मक्खिया, जाने जोन विषय से सब सुख पावे चाहता, और मच्छर है ये संसारिक विषय का है, मक्खी और मच्छरदानी लगा ले। संसारिक संसार के विषय में वह भाई हवा, वह मन के जो नुलावत है। और हे स्वामी, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श रूपी विषय, ये सब सर्प है, यह सब डॉसलिन है, नहीं तभी डोसा था, कोई का रूप देख करके लगा हुआ था ना, पक्का ठीक। तो यह एक जने के सिखा दे धाम तहार पक्का ठीक, जिके सिखा देवे कहो बच्ची हम तुमको सिखा दे, अब तू जा जिसे हमारा धाम पक्का हो जाए, उसके बाद यह न भाई ठीक ने, इतना करे चाहबे कि नहीं, न करे चाह तो कदे गुरु न कर पाई तब धार पक्का करी कहो तो। नहीं गुरु ये काम न हुई, देखो कहे कि अगर तू पवित्र रहबे तो तोरे संपर्क में कोई आवत हो तो ओकरे बने जाने रास्ता ले, रास्ता ले कुछ नहीं, अन्न ग्रहण करना छोड़ दीजिए, का करे नरक खीबे, मना का पवित्र नहीं करना है तुम नातिन क्या, नहीं आने चाहिए, तपस्या करेंगे पड़ेगा, ये जान ले कचरा खी रहे, जा वो बुढ़ऊ के दे दे कुछ करे कि न धरे को बवाल में जा ले। अगर कोई ऐसी बाणी बोल दे या ना, या तो कुछ बात बताइए, सबको वही समझा दीजिए, संसार सपना है ऐसे वैसे, अगर कोई न माने तो उसका छुआ हुआ जल मत ग्रहण करिए, तपस्या करना पड़ेगा उससे। अब यहाँ से बाणी दे दे बहन, धाम तहार रुके वाला नहीं बा, लेकिन हाँ प्रभु के कोनो काम नहीं है ले, ये जान ले, जब तक एक पवित्र चरित्र अगर नहीं दे ले तब तक कोनो कर्म का मतलब नहीं, अब क्या करवे, अब ही भी मौका बा जौन कुछ हो सके ओके बढ़िया से, कहे कि चरित्र में जब ये बात तो हो ही भाई, ये सब थोड़ो बा कि ठंडी में पेड़े के नीचे बैठा रहा तो राम खिलौन भाई मिल जाइए तो रोटी खाए के बा ओकरे बदे पेड़े तर बैठ पे पक्का बात के समझ जाने, और ओकरे बाद एकदम भगवान में लीन हो जा, या तो फिर बातें मत करो, फिर साइन किसका कहे, देखा अड़कावत नहीं बन, हाँ कहे कि ये जितना बाणी दे दे बन वो कटी नो ठीक ने, तो ये मन का हाल कहे की जरूरत नहीं बा, तब तपस्या करेगी कि बच्ची यदि अगर सोच तोहार अलग बा, काम अलग बा, बोली अलग बा, तो हमें प्रसाद मत दे बचुआ।
स्वभाव में परिवर्तन करे के पड़ी भाई, कहे कि जो स्वभाव बनल बा वो गुण और कर्म के कारण बना बा, संस्कार के कारण बना बा। अगर स्वभाव न छोड़ब तो वही में रहबे तो का करबे, तेन तपस्या करिए, नहीं तो नहीं अपन खाना छोड़ दी है या तो आवत छोड़ दे। नहीं एकदम खाते पीते जो है आलू गोभी की तरकारी जो ना आराम से थम जाए चाहला सब कोई नहीं जने सुना लोभ देखा भाग कुछ न कुछ तो करेगी पड़ी कि नहीं। ये भगवत गीता में भी है कि जो अपने स्वभाव को छोड़ करके आदर्श भाव को धारण कर ले उसी का तो पुरुषार्थ है, नहीं स्वभाव के बस में रह करके तो सब करते है बा नहीं ना। ये ने ध्यान दे कुछ नहीं धाम आवो जने, लेकिन मुंह छुपा के ही बैठल है वो में, ये मत कह प्रभु हम तोरे काम आए। ये ने जंगल तो कूड़ा पैदा करे में सब तेज बा नहीं, रेशम के कीटा कीड़ा जो जानल ने पढ़े तो बाहर रामचित मानस में वो के सब बड़ा प्रेम से पाल लिया है। जने, जने, ते ये बात के खटक न रहे लेकिन वहू में जाके ग्लानी करे कि प्रभु आपके कोनो काम नहीं है, आप बड़ा दयालु है, आवा धाम में कहा रोकत नहीं बहन जने भान है। देखो ये कोनो घन नहीं देता है लेकिन यह कि अगर नहीं करता तो जबरदस्ती कहा है, कहे कि समझो ठीक ने, कहे कि अब वो पक्का यहाँ कच्चापन के कहाँ जगह बा को गणेश जी। कहे कि यहाँ से आधार काम मिला था कि भाई देखा अगर तनको भार के जगह हो तो शरीर एक क्षण के लिए रुके वाला नहीं बा, कहे कि जे उठावा था वहाँ भार के जगह हो ही नहीं सके, जगह उठावा था ऊपर भार कैसे है ठीक ना, कोनो दिक्कत तो नहीं बा। हाँ तो फिर ही चौपाई पढ़े के अधिकार नहीं बा कि प्रभु के कृपा भयउ सब काजू अजन्म हमार सफल भय आजू। ऐसा ही बात है कुछ तो तुहार जन्म सफल होएगा जने, लेकिन सब काज नहीं एको काज नहीं कर पैले, एक जने के पवित्र करबे तो एक के काम है जने, 108 जने के पवित्र करे के बचन लेबे जने। गणेश जी ये तो पूरा जो है धरती से मानसिक रोगों का जड़ से उन्मूलन जने, और सतयुग की स्थापना के लिए लेकिन कुछ ने सामना नहीं आया तो पेड़े तर बैठे तो राम खिलौन भाई मिलन तो गणेश जी मिलन देखा ऐसे ही कुल बा बतावे झूठे के 108 गुड़िया के माला पहन के को भाई ओकर का मतलब बा ठीक ने, निश्चित बा भाई ये पवित्र बा दूसरे के पवित्र करी एमे कोनो शंका नहीं, तो नहीं करेगी बात खाली बता दे है कि गुरु हमसे न हो पाई बुढ़ौती आगल माफ कर दे कुछ नहीं माफी का जने, लेकिन प्रभु के काम नहीं है इनमें सैकड़े बदे आत्मग्लानी खाली कर सकते, आत्मग्लानी करके भी आ जाए जने ने। गणेश जी
जितना जने से मिला भाई है बाबा बीबी सब सबके या तो ध्वस्त करो या तो उनका मन निर्मल करो जने। अब जब से तुम्हार भाई पार्वती न बनी तब तक जो है कि यह गणेश जी को उपाधि देवे वाला नहीं भाई राम खिलावन भाई। अब सीधी बात बा माता कौशल्या के जगह जब तक धर्मराज के माता जी न पई है तब तक कैसे पूर्णावती कर रहे हैं बताओ है? देखे भाई देखा आनंद में ले हाँ यहाँ वो नहीं बाकी कोनो ठीक ने कहे कि तो सबके बड़ा बढ़िया लगा। अरे यार गुरु बड़ा मस्त है जने एकदम बिंदास है बोल है चाप के जो है और कुछ चेत में कर रहे हैं बड़ा त्यागी आदमी है बताओ दी सब जने ये सबके बढ़िया तो लगा ला ना भाई भक्तन के तो बढ़िया लगबे करी है ठीक ने कैसा तो टाइट बैठा क्या नहीं कहन जब रीढ़ खड्डी टाइट रहा तब वो कहन होला ऐसे कहन नहीं हो वो भरम बा ठीक ने चिंता ना पकड़े हाँ भाई थाम तो निश्चित होएगा अब प्रभु के काम आवे जाए नवावे उतार उकरे बदे दबाव नहीं बा भन है काहे कि पहले कह बन कि दबाव कोई के बस ये कि सभी तपस्या करी ये ने तो कहते हैं कि हे स्वामी रूप रस गंध शब्द और स्पर्श यही के विषय में सब सोचा था तो यही विषय रूपी सर्प है तो जितना संसार का विषय है वो कुल 20 है कहा तो 20 लेना ठीक बात बा है तो फिर संसार के विषय में नहीं सोचा के बात अगर इतना बुद्धि काम करता कि जहर डालना ठीक तो फिर संसार के विषय में सोचे के अब भाई 20 डलबे तब व्याकुलता तो होई नहीं तो हे नाथ आपकी कठिन माया ने मुझ मूर्ख को यहाँ लाकर पटक दिया। देखे जब जीवात्मा के पवित्र कर रहे तो माया के पास कहाँ ताकत बा और जब बिल्कुल जो है श्री राम जी में मिल गया तो फिर जब माता कौशल्या दशरथ जी कभी आई है धरती पर तो फिर आया था अपन लीला करे निजी जीवात्मा के व्यवस्था बा नहीं और ये हिरण गर्भ के बाहर चला गया भाई अब ये न गर्भ से कुछ लेना देना। हे गरुड़गामी मैं तो अंधा हूँ अर्थात ज्ञान नेत्र विहीन हूँ इस संसार वन में बहने वाली वासना रूपी भव नदी बड़ी ही भयंकर और अथाह है। जो हम दसों का वासना बतावा ले बड़ा भयंकर नहीं बा दस के चक्कर में काका कर देता है नहीं जिसमें मात्र पाप रूपी जल भरा जीभ नाक आंख कान चमड़ा धन वंश चेला नाम और पूजा प्रतिष्ठा के लिए जितने कर्म होते हैं वे मात्र पाप होते हैं। और समझ में आ चुका है कि एक कप चाय का लालच आते ही कपट पकड़ लेता तो कपट जो है पाप बा की पूर्ण पाप बा तो एकदम कामना के करो गणेश जी जगह ठीक नया खिलौन भाई एकदम बैठा ले भाजन है। अब जब भगवान भोलेनाथ के कृपा बा तब एक पक्का पक्का करे में ही आनंद बने
बड़ा ही भयंकर बात है। देखो वो तो बढ़िया बात कि वो रजोगुण वाला खत्म होगा, नहीं नाम के कामना में तो दिखते है नहीं। बड़ा बढ़िया जो है कि वो का कह लें जो है कुर्ता पैजामा की बात का रख लें जैकेट आगे चंदन लगा कार्ड लेके झूठ है राजस्थान के नोटा देखा राम खिलावन जी कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कोई हवाई जहाज से कितनो जीवन भर घूमत रहे यहाँ तक नहीं आ सका नहीं ठीक ने। तो इसमें मात्र पाप रूपी जल भरा है जिसकी ओर देखना सहज नहीं है। अब जबकि कुल ज्ञान हो जाए तो और यही ने, यानी इसका पार करना बहुत ही कठिन, देखना मुश्किल है, पार करना तो दूर की बात है। तो क्या जरूरत बात तू उनमें से निकल जा, क्या कि भक्ति के सामने माया कभी आवत नहीं ये ना राम जी भाई, भक्ति के सामने माया कहाँ आवा वाली बा है। कल्याण हो भाई, कौन सरजू भाई, पता नहीं भैया इन्हें का हो गयल, कुछ समझे में नहीं आता, पढ़ लिख के पता नहीं कहाँ से रामायण लेके बैठा भाई कुछ कमाई न धमाई, इतना पढ़े लिखे बड़ा आशा करे रहे कि बड़का मंदिर बनवाई है, दोस मंजिला घर बनवाई है, अब का करता अब का कहवे। वही में माया भी अखिल निकली जने, तो कही वो यार जे ज्यादा पढ़ लेला कि सक जा और जब जे संगत में बा वो से जन्म मिली है तो वो कही कि तोहार किसका बा गुरु के किसका है, उनसे का कहबा हमरे सतमा रह दू चार घंटा तुरे समझ में ने? तो कहीं आखिर के तो ये सब तू कहत है तो हम बता ये बतावे कि संसार काहे बना बा, कबे पवित्र भाव से सेवा करे बस वो बड़ा आसानी से उनका दे देवे जवाब ने, पवित्र सेवा देते ने माई मेरारू बहन पिटिया में कहाँ तनको जो है कि कपट कहाँ बात तो रे संस्कार में कहाँ बतावे है। रामायण के खिलाइन बैठोगे ने कि अनुज बधु भगनी सुते नारी असुनु सुनु सठ कन्या समय चारी, अहि नहीं कुदृष्टि अति नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई ताहे बधे किछि पाप न होई। ओकरे आप कहा चला बैठो अब डाड़े में बैठ के बताओ, बहुत बुद्धिमान है, बड़ा लालची की गुरु इतना कर देते उतना कर देते, बतावा एक मिनट बदे तुरे बिटिया के नंगे देख क लाख रुपया लेबे उखड़ जाई नहीं, माने एक अलग से कदर समझो ये पवित्र भाव बदे संसार रचा है, भगवान का लीला है, तू कुछ अलग से आया है ठीक ना, समझा बदे यहाँ कोनो ऐसा बात नहीं बा, मुख्य बात बा कि समझा सकल बड़े प्रेम से, उन का गलती करता गंगा जी के किनारे बैठा बान वो 30 फुट के करारी पर और पूरे जो है ब्रह्मांड को उठाए बान कोनो उतो नहीं बान, सबके किया था इतना हथियार रखा बा गुंडा पाले बान नहीं गणेश जी, बात तो देखा एकदम पक्का पक्का बा भाई ठीक ना। शोक मोह संदेह भ्रम मोरे मन कछु नाही ठीक ना, ई कुल यहाँ मिले वाला नहीं,
तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे नाथ, इस संसार रूपी जंगल का पार पाना बहुत ही कठिन, कहे कि मैं तू कुछो कर देबे लेकिन संतोष नहीं दे सकता कोई की। अब आप लोग अनुभव करे देख ले, अभी शरीर कुछो नहीं रह गल, तब वो देखे तब कुछ लोगन के संतोष मिल पावता, लेकिन सबके कहाँ मिल पावता नहीं। कहे कि गणेश जी आप प्रयास करबे संतोष तक पहुंच जीवे बड़े प्रेम से, और वो का चाहिए भाषा से ठीक में, क्योंकि यह अपार है, इसमें छह प्रकार के मगर भी है। जंगल बा, जंगल में वो भयंकर नदी भी बा, वही बहुत न जाने मगर के कौन जीव मारा ला, मगर के भी मारे वाला कोई हुई नहीं, शायद न पता हो। गणेश जी मरी है, जाने गणेश जी छह ठो मगर है, घड़ियाल जाने क्रोकोडाइल, काम क्रोध लोभ मद मत्सर और मोह, यही के कॉलेन खट विकार। क्या कॉलेन? एक एक के दूर कराला हनुमान जी, हरहु कलेश विकार नहीं, अजय हनुमान ज्ञान गुण सागर जे कभी सुन लोग नहीं। तो हनुमान जी, हनुमान जी कहे विकार हरण करी है राम जी के शरण में आओ, कहे कि वो खाली राम जी का सेवक है, वो कोई का नौकर तो सेवक बने में आनंद बा की नौकर, तो के कुछ नहीं, तू सीधा धाम आवा, तू कुछ मत बतावे यार जाने आवा जाए तो क्या कर बे, आप तपस्या के कर कर सके तो करो। ये छह मगर है सही तो मारी का बार, तू के सबके फूके के बाप हुआ, फूक के भाग बा जहिया बाद है, अगर न फूक सके तो कहते हैं फूको करे, लेकिन जे मार सकला वो फूक नहीं सका वो बा ठीक ने। इंद्रिय रूपी घड़ियाल और भंवर भी पड़े, शुभ अशुभ कर्म रूपी इसके दो किनारे हैं, नहीं कोई ठगे कुछ करे ठग लिया तो कोई बात, जिसे आप लोग आए तो वही किनारे लगा हुआ है जो हम कह ले नहीं भाई, खाली सत्य ऊपर का, लेकिन बाया किनारे पर अभी पार हाँ, लेकिन ये किनारा पर बाया तो ई जो हो एम ए का होला जोन खाई टाइप के नहीं, किनारा पर एक खुला ना कि जिसे कि था लग गल, अब अचानक गहरा हो जा कुछ हो डोल खले माने एहर ही नहीं बा, लेकिन बाया वही यही में और किनारे में बाया अब डूबे नो इतना ना कुछ नहीं बाबा, देख ले कभी कभी देख ले कुल बहरवा से जनों की एक रस्सी बांध के खींच ले नहीं हुआ, तो मैं रोहा मत बहरे यहाँ के खींच ले जा माने बहरे आवा के मतलब का बा निष्काम सेवा, हाँ उम्मीद रह के कहे कि पूरी माया का प्रपंच हो जाने। प्रभु जब ने शादी के बाद श्री राम जी गए विदाई मांगे बदे माता सुनैना जी से, तो उन्हें नवैनी उपटन लगैनी, लेकिन राम जी को उसे कोनो मतलब संसार में जौन होता कहे कि अरे ऐसे भगवान नाराज हुई है, कुछ नहीं भक्तों से भगवान कभी नाराज होबे नहीं करते ये जान ले ठीक ना।
तो शुभ और अशुभ कर्म रूपी इसके दो तीर है। तो जब सुन ले कि अरे यार महाराज बहन जो हो इनके शरीरी से इच्छा पर इच्छा शुभ अशुभ कर्म रूपी कोनो अब काम हुआ वाला नहीं भाई जान ले, जबकि पता होगा कि संसार में यह दूठे किनारा बा शुभ और अशुभ के, जब पार होगा तो ओकरे बदे किनारा कहाँ रहेगा। यही से शुभ अशुभ कर्म खत्म। और इसमें दुखों की तीव्र धारा बह रही, बड़ा तेजी से दुख बहुत हो नहीं। हे रघुवंश भूषण, इन सब नीचों के दल ने मुझे पकड़ रखा है। यह आपका दास तुलसी सदा चिंता के बस रहता है। इस कराल कलिकाल के भय से डरे हुए मुझको आप कृपा करके बचाइए नाथ। ठीक है, तो शरण में ही तब्बन है भाई, तो ठीक। तो आज इसी बाड़ी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुते हनुमान की जय। आहारा